समय मौजूद हैं रोहतास जिला के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित यहां पर आरटीओ और ड्यूटी ऑफिस में। और आपको हम बता दें कि इस समय रोहतास जिले में जो 24 नंबर का है लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है। 24 नंबर यानी कि जो शौकिया लोग हैं जो चाहते हैं अपने वाहन का जो नंबर हो उनका VIP हो, जैसे 0001, 0002, 0003 या 4444, 4222, तो इसको 24 नंबर बोला जाता है। मतलब एक टाइप से आम भाषा में कहे तो इसी नंबर को VIP नंबर भी कहा जाता है। और माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके अभी रोहतास जिले में ऐसी बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रही है कि लोग जो अपने वाहन का उनके पास कोई भी 4-व्हीलर वाहन हो वो प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके पास उनका चॉइस नंबर, मतलब जो नंबर वो चाह रहे हैं वही नंबर उनके वाहन पर लगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चॉइस नंबर को लेकर लगातार रोहतास जिले में इसका क्रेज जो है अब बढ़ते जा रहा है। और आपको हम बता दें इस वित्तीय वर्ष में यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 तक इस पूरे चॉइस नंबर के मामले में रोहतास जिला जो है पूरे बिहार में टॉप 10 में है और अभी इसका जो पायदान है 9वां स्थान। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ के जो परिवहन विभाग के जो अभी DTO हैं रोहतास जिला के राम बाबू, इन्होंने बताया स्पष्ट तौर पर कि राज्य सरकार को इससे यानी कि चॉइस नंबर से सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपये की जो है राजस्व आई है। आपको हम बताते चले कि चॉइस नंबर के अलग अलग रेट तय होते हैं, जैसे 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 का जो रेट है 1 लाख है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 0002, 0004, 0006 जो इवन नंबर में है उसका उस सब का जो चॉइस नंबर का जो रेट है वो जो है 50,000 से लेकर 75,000। तो ऐसे ऐसे लगातार जो है अपना अपना अलग अलग रेट है चॉइस नंबर का। तो आइए सुनते हैं इस चॉइस नंबर पे लगातार क्रेज बढ़ने पर क्या कुछ कहा रोहतास के DTO राम बाबू ने। सर, जानकारी मिल रही है कि रोहतास जिले में इस वित्तीय वर्ष में चॉइस नंबर की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हाँ, चूंकि ये परिवहन विभाग के द्वारा ये चॉइस नंबर का ये प्रावधान है कि जो शौकवा लोग हैं अपना शौकीन से चॉइस नंबर लेते हैं तो उसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा कई सीरीज निर्धारित किया गया है, श्रेणी A, B, C, D करके। तो हर एक का अलग अलग अमाउंट निर्धारित है कि कोई भी शौकीन व्यक्ति अपने हिसाब से चॉइस नंबर उसके हिसाब से जो राशि बनता है दे करके नंबर ले सकते हैं। ये नंबर कहीं से भी लिया जा सकता है। इसमें एक और स्पष्ट करना है कि अगर एक ही नंबर के लिए एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन के तहत बोली लगती है और जो मैक्सिमम बोली लगाएंगे उनको चॉइस नंबर अलॉट कर दिया जाता है। सर, इस वित्तीय वर्ष में कितना तो ये हम लोगों का अभी ये करीब वित्तीय वर्ष में नवंबर तक ये जो 22 नवंबर है उस तक जो फिगर हम लोग का है 74 गाड़ी का चॉइस नंबर अलॉट हुआ है और लगभग 20 लाख का राशि उस पर हम लोग को ये विभाग को आया है। आपने सुना रोहतास जिला के DTO राम बाबू को स्पष्ट तौर पर बताया कि रोहतास जिला जो है चॉइस नंबर के मामले में लगातार यहाँ पर जो शौकिया लोग हैं यानी कि जो लोग चाहते हैं कि उनके वाहन पे उनके मन मुताबिक नंबर हो तो इसके लगातार क्रेज बढ़ गई है। और जैसा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इस साल जो है इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को जो राजस्व मिला है 20 लाख रुपये से भी ज़्यादा का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे चॉइस नंबर हैं जिस पर एक से ज़्यादा लोग अगर उस नंबर को चाहते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहें कि 0003 है तो 0003 जो नंबर है उसी नंबर को लेने के लिए 2-3 लोग इच्छुक हैं तो उस परिस्थिति में वो ई ऑक्शन कराया जाता है, मतलब उनकी बोली लगाई जाती है और बोली में जो लोग सबसे ज़्यादा बोली लगाकर नंबर को परचेज करते हैं उन्हीं को नंबर जो है अलॉट किया जाता है।